वाओ, एक और बार फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। ये उतना खास नहीं था लेकिन ठीक है ना, शुरू करो ना यार, शुरू करो। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय हिंद, बंदे का नाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय शो। और बहुत ही मजा आने वाला है आज, क्योंकि मैंने आज सर्च किया है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। और मतलब मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि कल मैं बोर हो रहा था और मैं देख रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ट्रेंडिंग टैब जो होता है उसको रिसर्च किया और उसके बाद पता चला कि ये लोग ट्रेंडिंग में आते हैं। तो वो ₹1,000 किलो आए, हाय हाय हाय, 2 से 2.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, एक भी वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ, ये कैसे वायरल हो जाते हैं, कैसे आते हैं ट्रेंडिंग में, जल्दी बता। जा पूछ क्या। चलिए आइए वीडियो पे आते हैं। और ये ट्रेंडिंग नंबर 4 पे ये वीडियो था, क्या कार के टायर में हीलियम डालने से गाड़ी उड़ जाती है? नहीं। खैर, ये तो थे रील्स वाले वीडियो, मेन वीडियो तो अभी आने वाला है। ये भैया एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यूट्यूब पर, एकदम भर भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाम है इनका क्रेजी XYZ, कितना क्रिएटिव नाम है, क्रेजी XYZ। चलो देखते हैं क्या किया इन्होंने। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनार जो है, वो कितने रुपए किलो मिलता है? स्टाइल बहुत सही है ना, फ्रूट्स हैं, अनार है। कैसा हो गाइस अगर आपको अनार मिले ₹1 किलो, आपको सेब मिले ₹1.2 किलो? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। आज हम लोग बिल्कुल इसी रेट के ऊपर फ्रूट्स बेचने वाले हैं। ये कौन सा कंटेंट है जो ट्रेंडिंग पेज पे जाता है? I don't know. तुम्हें शर्म है? नहीं। इस वीडियो के लिए लाइक का बटन ठोक दो अभी इसके। पीछे वाला देखो। इसको नीचे रखो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है? और मजा बहुत आने वाला है, ये तो, और मजा बहुत आने वाला, समझ रहे हो? सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें, और जो आपकी दुकान है वो हमको दे दो, ₹10 किलो। देखो यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं हो रही, यहाँ पे ये लाफ्टर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई साहब ले लो, बताओ सेब क्या भाव भैया? आपको सही में लगता है कि ये कंटेंट ट्रेंडिंग में? इसका एक और वीडियो दिखा मुझे, वो तो बहुत ही ऑसम है, इससे ज्यादा ऑसम। हेलो गाइस, मैं हूँ अमित। गाइस, हम लोग आपको दिखाने वाले हैं रिमोट कंट्रोल स्नेक, और वो है सिंपली यहाँ पर। इस डब्बे में एक ऐसा सांप है जो कि रिमोट से चलता है, और आप लोग सोचो कि कितना कमाल का हो सकता है एक ऐसा सांप जो रिमोट से कंट्रोल्ड हो। नकली सांप है, मतलब जहर वाला नहीं है। रिमोट कंट्रोल सांप लोगे ना तो देख के लीजिएगा जहर वाला है कि नहीं। जैसे कि हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग आज द इंडियन अनबॉक्सर के ऊपर। इसका ये मुंह और इसका शेप देखने पे लग नहीं रहा कि असली जैसा है। नहीं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके, सो फाइनली ये वाले वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, जो कि नंबर 3 ट्रेंडिंग पे था। 3 ट्रेंडिंग क्या हो गया, हग दिया। इस वीडियो का नाम में इनका नाम जोड़ेंगे, सौरव जोशी व्लॉग्स भाई का, तो देखते हैं अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है क्या, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं। हम लोग मिलने वाले हैं सौरव जोशी व्लॉग्स भाई से। क्या? सौरव जोशी व्लॉग्स भाई से। अरे भाई, आप मिलने वाले हैं सौरव जोशी से, सौरव जोशी व्लॉग्स भाई से। ये सौरव जोशी का नाम अपना डिफॉल्ट नेम हो गया है, सौरव जोशी व्लॉग्स भाई। टीचर बोलते हैं सौरव जोशी व्लॉग्स भाई। यस मैम। भाई यार, मेरे को नहीं पता था, यहीं पे थोड़ा पीछे सौरव भाई। अरे अरे दर्द हो रहा है, पीयूष भाई छोड़ो यार। नो गॉड प्लीज नो। दो बार सौरव जोशी भाई व्लॉग का पोपट हो गया, ये पीयूष ने कर दिया। देखो यार, मतलब बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये सब करने लगाओगे ना तो ये सब होगा, चाहे आप कितने भी ब्लॉगर, बड़े ब्लॉगर क्यों ना बन जाओ, ये होगा आपके साथ। भाई साहब, ये पीयूष ने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, सारा यूथ खराब कर दिया। सारा यूथ खराब करता था। पीयूष के भी फैन आए हुए हैं बाहर, पीयूष के फैन शायद से। अगर पीयूष को मन करेगा खेलने का तभी खेलेंगे, ऐसे नहीं खेलेंगे। पीयूष मन कर रहा है खेलने का, ठीक है, डन। सही है यार, ये सारे वीडियोस ट्रेंडिंग में लाओ, यूट्यूब बहुत बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो मेहनत करते हैं, जिनका वीडियो कभी वायरल नहीं होता, कभी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आता। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है आज ये सब देख के। अगर आपको भी लगता है कि ये सही में
ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो प्लीज उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके सजेशंस मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इतना सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहूंगा। अभी चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। दासविदानिया बूम। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ दे मंजिल।